अब न रोकेगी कोई बाधा तुझे इस पथ पर, अब न रोकेगी कोई बाधा तुझे इस पथ पर, तू अपने इरादे इतने मजबूत कर ले कि रास्ते के पत्थर भी कहें कि जा निकल जा, हमें तुझे रोकने की हिम्मत नहीं है, हमें तुझे रोकने की हिम्मत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्विज स्टडी, जिसमें मैं आपको अलग अलग तरीके की जानकारियां देती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी करती रहती हूँ और आपको एक क्विज खेलने के लिए मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उनका आंसर दीजिएगा और मेरे साथ क्विज खेलिएगा। तो आज का टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि हमारी असफलता के कारण क्या है, हम असफल क्यों होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए सिर्फ दो कारण लेके आई हूं, जिनमें से पहला है आपका आपकी अदृढ़ता, इनस्टेबिलिटी, यानी कि आप स्टेबल नहीं हो, आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं है, ये आपकी असफलता का सबसे पहला कारण है। दूसरा है आपका डिसओरिएंटेशन, यानी कि आपका भटकाव, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हम पर भी डिपेंड करते हैं और हम दूसरों की बातों में आके जो करते हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन सारी चीजों में। तो जैसे कि इसमें मान लीजिए कि हमारी अदृढ़ता कहाँ पर हमें आती है, वो याद करना क्या है, कभी हमें ये बनना है, कभी हमें वो बनना है, कभी हमें ये करना है और कभी हमें वो करना है, यानी कि ये वो करने में ही हम बीच में झूलते रह जाते हैं और बाकी की सारी चीजों तक पहुंच ही नहीं पाते। इसका रीजन भी यही है और इससे जुड़ा हुआ है आपका डिसओरिएंटेशन, यानी कि भटकाव, और ये आपको करने में आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, वो आप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक तो आप ही खुद कंफ्यूज हैं कि करें क्या, दूसरा आपके फैमिली मेंबर ने या आपके जो करीबी हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आपको जो है भटका दिया, मार्ग से अलग कर दिया, जो आपने सोचा था उसमें थोड़ा सा एक सेंध लगा दी टाइप की, कि भैया कि तुझे ना पढ़ाई में तू बहुत अच्छा है या तू ये काम बहुत अच्छा करता है, तो तुझे ना IAS या PCS की तैयारी करनी चाहिए, सिविल की तैयारी करनी चाहिए, या भाई तेरी मैथ्स वगैरह बड़ा अच्छा है तो तू ना बैंक में चला जा, तेरिंग कर ले। तो इससे क्या है कि हमको एक जगह हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और हमारी ये स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है कि हम करें क्या, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो इसको आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए करना क्या होगा, पहली बात कि आप खुद में फोकस कीजिए, खुद से फोकस कीजिए, खुद अपने लिए कम से कम थोड़ा समय निकालिए, अकेले रहकर सोचिए, बैठ के सोचिए कि आपको करना क्या है, आखिर आप चाहते क्या हैं, आपको क्या बनना है, खुद के बारे में सोचिए, खुद को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त के साथ सारी चीजें आराम से संभल जाती हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी इच्छाएं हो, वो सब वक्त के साथ बदलती हैं। अब सबसे बड़ी चीज सुन लीजिए, क्या है कि अदृढ़ता हर किसी में आती है। मैं आपको बता दूं, आप गीता पढ़ के देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उसका रीजन क्या था, उसका सबसे बड़ा कारण था अर्जुन का भटकाव, अर्जुन का डिसओरिएंटेशन, वो चूक गया, वो भूल गया, वो प्रेम में आ गया, मोह में फंस गया कि मैं कैसे उन सबको मारूं, वो तो मेरे अपने हैं और अपनों को भला कौन मारता है। लेकिन वो जैसे ही अनस्टेबल हुआ, उस चीज से वो हटने लगा, भगवान ने उसको गीता के उपदेश दिए और उसमें कहा कि तू अपनी चीज पर दृढ़ रहे, हिलडुल मत, जब तूने ये ठान लिया कि तुझे युद्ध करना है तो तू युद्ध कर, ये सब चीजें तुझे पहले सोचनी थी, पहले एक बार सोचते, फिर सोचते, फिर सोचते, उसके बाद करते, जब तुमने ये लड़ाई छेड़ ही दी है तो
तो फिर आप इसको बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। नहीं, अगर आप इसे बीच में छोड़कर गए तो आप कायर कहलाएंगे, आपको कायरता का रिवार्ड मिलेगा। आप बीच में कुछ मत छोड़िए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को फिर से खड़ा किया, फिर से उसे युद्ध करवाया और वो युद्ध में विजयी भी हुआ। और वो सारी चीजें गीता में बड़े अच्छे तरीके से बताई गई हैं। तो भटकने का मार्ग छोड़िए, भटकाव छोड़िए, डिसोरियंटेशन को छोड़िए, इनस्टेबिलिटी को छोड़िए। बस कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आप पहले सोचिए, सोच के स्ट्रेटजी बनाइए और फिर उस पर फोकस कीजिए। ना आप सपने देखिए, ना आप डिजायर कीजिए, ना इच्छाओं को बड़ा कीजिए, बस अपने काम पर फोकस कीजिए। जब आप अपने टारगेट पर फोकस करेंगे तो वो जरूर मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा। असफलता आपके आसपास भी नहीं भटक सकती है, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वो फिर कोई क्यों ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अपने करियर पर फुल फोकस कर पाएंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।